6.4 लीटर हेमी V8। ओह माय गॉड। यस, वेरी सैड एंड दीज आर ट्रू इमोशंस। ये वीडियो के लिए मैंने कोई भी स्क्रिप्ट नहीं बनाई है, कुछ नहीं किया है। वॉट एवर आई एम सेइंग इट्स आउट ऑफ ट्रू इमोशंस। ये सारे जो V8 व्हीकल्स है, इतनी आइकॉनिक व्हीकल है, चार्जर, चैलेंजर इतने सालों से आते आ रहे हैं। ऑफकोर्स व्हीकल डिसकंटिन्यू नहीं हो रही है, बट उनका जो मेन कैरेक्टर था, इसका हार्ट, जो V8 इंजन आते थे इसमें, वो डिसकंटिन्यू है, जो कि मेन एक हाईलाइट थी, पहचान थी ये व्हीकल्स की। एंड उसी में से अभी इसके लास्ट प्रोडक्शन ईयर में 7 लास्ट कॉल सीरीज उन्होंने निकाले, उसी में से ये फर्स्ट व्हीकल है। मैं हुदीप एंड ये है 2023 डॉज चैलेंजर 392 स्कैट पैक वाइड बॉडी शेक डाउन। लेट्स डू दिस फॉर द लास्ट टाइम, फॉर द लास्ट कॉल। I mean yes, you heard that V8 and मेरे एक्सप्रेशन जो है, जो जॉय, ये सारे V8 especially ये मैनुअल 6-speed मैनुअल में आते हैं ये व्हीकल, जो फील देते हैं, जो ड्राइविंग प्लेजर देते हैं, इट्स मैच टू नथिंग ये V8 व्हीकल्स। वो आप एक्सेलरेट करते हो, जब भी व्हीकल स्टार्ट भी करते हो एंड जब भी रेव करते हो, सीट में वाइब्रेशन, ज़मीन में वाइब्रेशन होती है। एंड एकदम मैसिव व्हीकल, दिस इज़ लिटरली अ बोट, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट 2-डोर व्हीकल्स है। इसकी लेंथ देखो, अभी नंबर्स आ रहे होंगे कंपेयर टू ये जो व्हीकल इसके सिमिलर लेंथ में आते, दिस हाउ बिग दिस व्हीकल इज। देन उसके बाद जो अपील भी है, जो स्ट्रॉन्ग फॉलोइंग है ये व्हीकल को लेकर, ऑफकोर्स ब्रैम्पटन की बात नहीं करा, इन जनरल ग्लोबली भी। एंड आई थिंक ये स्टार्ट हुआ था किया स्टिंगर GT ट्रिब्यूट एडिशन का, जब भी मैंने वीडियो बनाया था। उसके बाद रिसेंटली, इनफैक्ट लास्ट वीक ही, जो रैप्टर आर मेरे पास थी, अगेन सेम सुपर चार्ज V8। काफ़ी ज़्यादा ये इमोशनल होते जा रहे हैं सारे वीडियोज बनाना, नोइंग दैट नेक्स्ट ईयर मे बी बहुत ही कम या बिल्कुल भी नहीं जो है न्यू ऐसे V8 प्रेस कार्स एंड और भी बहुत सारे व्हीकल्स आपके साथ शेयर करने जो है वो कम मिलेंगे। एनीवेज, एज ऑफ नाउ एटलीस्ट वी हैव दिस बेस्ट, आई मीन जस्ट लुक एट दिस थिंग। यही मैं इसके लुक की बात कर रहा था, स्पेशली इसके वाइड बॉडी कॉन्फ़िगरेशन में, ये ब्लैक कलर में, जो कि ये शेक डाउन स्पेसिफिक है। सो शेक डाउन, जैसे मैंने कहा था, सीमा ऑटो शो से पूरा जो उन्होंने कॉन्सेप्ट व्हीकल, आई मीन एक कस्टमाइज व्हीकल शो केस की थी, उसके ऊपर बेस्ड है। तो सारा जो आप हुड पिन्स देख रहे हो, ये स्ट्राइप्स देख रहे हो, ये वाइट बॉडी देख रहे हो, सारा उसी से इंस्पायर्ड किया गया है। एंड ये फर्स्ट मॉडल है 7 मॉडल से, तो ऑफकोर्स 6th मॉडल होने वाले, वन ऑफ द मोस्ट क्रेजीएस्ट है, जो ब्लैक गोश्त अभी आप देख रहे हो, जो ऑलरेडी व्हीकल विटनेस भी करना काफ़ी ज़्यादा कूल लगा मुझे पर्सनली। बट उसके बाद फाइनल जो 7th व्हीकल है, वो होने वाले 1025 हॉर्स पावर की डॉज चैलेंजर, ऑफकोर्स हेलकैट डीमन। एंड वो डीमन का एक स्पेसिफिक चीज़ है, वो पीछे वाइट बॉडी है बट फ्रंट में नैरो बॉडी है। एनीवेज, आज हमारे पास जो है ये फर्स्ट मॉडल शेक डाउन, एंड मैं काफ़ी सुन आपको ये लास्ट कॉल में से हेलकैट जेल ब्रेक भी दिखाने वाला हूँ, एंड और भी बहुत सारे V8 व्हीकल, सो स्टे ट्यून्ड फॉर इट। एंड दिस पॉइंट ब्रिंग्स मी टू अगेन स्पेशल थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइज। एंड यही दीप थ्रॉटल के जर्नी में जो नेक्स्ट स्टेप है, एक वन स्टॉप वेबसाइट प्लेटफॉर्म में आपके लिए ले गया हूँ। एंड ऐसी कोई भी आप व्हीकल देख रहे हो, सो आई हैव पार्टनर विद डीलर्स अक्रॉस दी ऑन्टारियो, ताकि आपके नेक्स्ट व्हीकल परचेज पे आपको बेस्ट डील मिले। इन दिस केस वी हैव अ पार्टनर डीलर बोल्टन किया, अगर आपको किया सेल्टोस कम से कम वेटिंग पीरियड में एंड बेस्ट डील चाहिए। सेम वी हैव पार्टनर विद एरिन मिल्स मैजडा, सुबरू का अभी तक पार्टनर डीलर है नहीं, बट देर आर मोर ब्रांड्स, फोर्ड, हुंडई, GM, जनरल मोटर्स, कैडिलैक, एंड इवन डॉज, जीप, रैम, क्राइसलर भी आप देख रहे हो, क्रेजी हेमी व्हीकल्स भी। एंड उसी के अलावा मैंने अपनी जर्नी यहाँ पे एज स्टूडेंट स्टार्ट की, तो मुझे पता है कि इतना डिफिकल्ट होता है, इसलिए यही प्लेटफॉर्म में हम रेफरल प्रोग्राम भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। आपके जान पहचान में, फ्रेंड्स या फैमिली, किसी को भी व्हीकल लेनी हो, मेरे पार्टनर डीलर थ्रू अगर आप लेते हैं आपके रिकमेंडेशन के बाद, तो आपको चांस मिलता है अपटू $500 अर्न करने का। उसके अलावा ऐसे आपको वीडियोज बनाना भी सीखना है, यही ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में आप जॉब्स भी ढूंढ रहे हो, भले वो डीलरशिप रिलेटेड हो, मैन्युफैक्चर रिलेटेड हो, सो वो सारे अपडेट्स मैं वही वेबसाइट पर देते रहता हूँ। सो ऑफकोर्स इंस्टाग्राम के अलावा ये वेबसाइट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नाउ बैक टू द वीडियो। तो फर्स्ट थिंग, ओवरऑल ये व्हीकल जो है
392 स्कैट पैक पे बेस्ड है। तो 392 स्कैट पैक उसको क्यूबिक इंच है, वो मतलब 6.4 लीटर का मैसिव हेमी V8 इंजन आता है इसमें, 485 हॉर्स पावर। एंड ये जो आप शेकर देख रहे हो वो ऑप्शनल पैकेज जो कि शेकडाउन के साथ आता है, एंड ये फंक्शनल है। ऑल द हॉर्स पावर एंड टॉर्क फिगर में कोई चेंजेस नहीं लाता, बट ये एक्टिव एयर इनटेक है ऊपर जो आप देख रहे हो, इसका कनेक्शन कैसे जो एक्चुअल एयर फिल्टर है उसमें से जाता है, एंड जो फ्रंट से भी जो व्हीकल का ये फ्रंट ग्रिल है उसमें से भी जो एयर जाती है वो कैसे सारा जो है मिल के इंजन को कूलिंग में हेल्प करते हैं। एंड स्पीकिंग ऑफ ये फ्रंट बैंड, ऑफकोर्स इसका इंजन बे इन इटसेल्फ वो शेकर के साथ जब बॉनेट ओपन करते हो बॉनेट में गैप आता है, एंड उसी गैप में जो है वो शेकर की बैजिंग भी है। एंड ये हुड पिन्स ऑफ कोर्स सारे फंक्शनल है, मेन लैच तो आपको आता ही है, बट ये हुड पिन्स निकाले बिना आप इसका फ्रंट बॉनेट जो है वो ओपन नहीं कर सकते। लुक एट द साइज ऑफ दिस थिंग, एंड ये ऐसे सारे कंपोनेंट इतना ज़्यादा कूल दिख के आता है। एंड ये साइड जो इसका मेन इंजन ब्लॉक हेड है उसके अंदर आप देख सकते हो पावर्ड बाय SRT। सो यही हो गया इसका इंजन स्पेसिफिकेशंस के मामले में। एंड बीइंग अ लास्ट कॉल मॉडल, यहाँ पे आपको हर एक लास्ट मॉडल में स्पेसिफिकली प्लैंक दिया गया। सो अब यहाँ पे चैलेंजर लास्ट कॉल डिजाइन इन ऑफकोर्स मिशिगन एंड असेंबल इन ब्रैम्पटन एंड फॉर ब्रैम्पटन, इतना ही मैं कहना चाहूँगा। सो इसमें बता रहा था आपको ये ग्रिल, सो यहाँ पे चैलेंजर लिखा हुआ आता है एंड RT बिकॉज ये नेचुरली एस्पिरेटेड V8 इंजन है। अगर इसका सुपरचार्ज कोई हेलकैट वेरिएंट होता है तो वहां पे SRT की बैजिंग आ जाती है, अगर आपको पहचानना है तो। दूसरा पहचान सकते हो आप यहाँ पे साइड में जो ये 392 आप देख रहे हो, ये भी शेकडाउन स्पेसिफिक है, रेड आउटलाइन में है एंड रेड ब्रेक कैलिपर्स। बींग अ वाइड बॉडी आपको इसमें वाइडर ट्रैक आते हैं जो कि डिफरेंट है, आपको नैरो बॉडी में नहीं मिलते। दिस आर मैसिव ब्रेक्स, आई थिंक इसके 16 इंच या उससे भी ज़्यादा जो इसके सिर्फ डिस्क का डायमीटर है, ब्रेम्बो के ब्रेक्स आते हैं। सो ये वाइडर ट्रैक सिर्फ वाइड बॉडी के साथ ही आते हैं, इसलिए आप ये टायर्स देख रहे हो जो करंटली ऑल सीजन टायर्स लगे हैं, बट ये 20 इंच के रिम्स। इसकी जो डेप्थ है साइड से एंगल देखो इसका, काफ़ी ज़्यादा कूल एंड एकदम मसलकार, ट्रू मसलकार फील और भी ज़्यादा देता है जो ऑलरेडी इसमें कम नहीं था। एंड साइड प्रोफाइल से, फ्रंट क्वार्टर एंगल से देखो इसका एंगल, इवन इनफैक्ट पूरे फ्रंट से मैंने ऑलरेडी आपको मेंशन किया था। एंड इसके जो एम्बर डे टाइम रनिंग लाइट्स थे अभी भी, जस्ट ये व्हीकल शोकेस करने के लिए हुड ओपन, वो मैसिव होल वहाँ पे शेकर के लिए, एंड देन ये जो हुड पिंस के केबल्स वगैरह लटक रहे, इट्स रियली रियली स्पेशल। देन बॉनेट बन के साथ ये वाइट बॉडी के साथ दो स्टांस दिख के आता है व्हीकल के साथ, एकदम मेनेसिंग एंड अग्रेसिव दिख के आते हैं, इतने फैट टायर्स आते हैं। एंड देन पीछे भी रिलेटिवली जो है छोटी साइज की डिस्क ब्रेक है, डबल पिस्टन ही है आगे, जैसे आपको 4 पिस्टन जो है ब्रेक्स आते हैं, एंड पीछे भी आपको 305 सेक्शन ही आते हैं। सो फ्रंट टायर भी आप देखो काफ़ी ज़्यादा थिक है। ओवरऑल वाइड बॉडी के साथ डिफरेंट शॉट्स में प्ले कर रहा हूँ, जैसे एक परस्पेक्टिव दिखाने के लिए जो व्हीकल का स्टांस दिख के आता है ये वाइड बॉडी के साथ। एंड अगर मैं व्हीकल के पीछे हुई लिप स्पॉइलर जो स्ट्राइप्स है वो पूरी पीछे तक यहाँ कंटिन्यू होती है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बट दिस इज व्हाट आई वांट टू शो, वो मिरर के साथ ये ट्रू मसल का स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर लाइन फ्रंट से ऐसे होके, देन जो रियर क्वार्टर पैनल है आपका शोल्डर के साइड से ऊपर लाइन चली जाती है। दिस इज सच अ ह्यूज व्हीकल, इतनी बड़ी, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट टू डोर व्हीकल्स है, एंड इतना बड़ा डोर जो है मैंने कभी किसी व्हीकल में नहीं देखा। उसके अलावा ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट व्हीकल, इसलिए तो डिसकंटिन्यू है फर्स्ट प्लेस पे, ऑफकोर्स ये चैसी, क्योंकि आई थिंक ओवर 15 ईयर्स के अराउंड 15 ईयर दिस व्हीकल हैज़ बीन अराउंड, इसलिए ओल्ड स्कूल स्टाइल में जो रेगुलेशन होता है फ्रंट एंड रियर में जो रिफ्लेक्टर होने चाहिए वो थोड़े ओल्ड स्कूल व्हीकल के अभी भी यहाँ पे डिज़ाइन क्यूज आपको देखने मिलेंगे। एंड पीछे मैंने आपको कहा था शेकडाउन की बैजिंग आते, उसके अलावा एग्जॉस्ट वगैरह ऐसा कोई नोटिसेबल आपको चेंज नहीं मिलेगा अपार्ट फ्रॉम जो सुनने में आता है। फाइनल और एक चीज़ के रियर में, अपार्ट फ्रॉम द एग्जॉस्ट नोट बिफोर वी गेट इनसाइड द व्हीकल, ऑफकोर्स मैंने सारी चीज़ आपको दिखा दी है, बट मेन चीज़ दिखानी इसके साउंड सिस्टम, बूट स्पेस एज आई सेड, सारी छोटी मोटी चीज़ें डिटेल में जाऊंगा नहीं, आप मेरा जो ओरिजिनल चैलेंजर का वीडियो जाके देख सकते हो GT, मेन है इसमें साउंड सिस्टम। अभी देखो डॉज ही एक कंपनी है वन ऑफ द जिसको पता है उसका कस्टमर बेस क्या है, उनको क्या क्या पसंद है, ऑल दे ऑप्शनल एक्स्ट्रा है, बट जो खतरनाक बचता है वो है इसका साउंड सिस्टम।
एंड काफ़ी अच्छी तरीके से इसका प्लेसमेंट किया गया है। एंड लुक एट दिस थिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंसुलेशन देखो, पूरा प्रॉपर एकदम हाई क्वालिटी इंसुलेशन दिया गया है। बट देन यहाँ पे इसके बैटरी प्लेसमेंट के बाजू में लुक एट दिस थिंग, एंड इतना खतरनाक बचता है, टेक अ लिसन। दैट्स इनसेन। एंड ऑफकोर्स ये आप स्टिकर वगैरह देख रहे हो, मुझे डेफिनेटली निकालूंगा, बट एज अ सेट जो रील में बनाऊंगा इसकी साउंड की, पिंस हटाना, डोर क्लोज करना, उसी में ये रील में मैं इसका ये स्टिकर निकाल रहा हूँ। बट स्पीकिंग ऑफ दैट, एंड यस ये चैलेंजर है, एक टू डोर व्हीकल है, पीछे भी सीट्स आते हैं, ऐसे नहीं है, आई एक्चुअली फिट इन द बैग, मेरी हाइट 5'9" है। फ्रंट पैसेंजर अगर एडजस्ट करके बैठता है मैं बैक सीट में, जो इसके आराम से फिट आ सकता हूँ ऐसे नहीं बोल सकता, बट इट्स लाइक कट टू कट शॉर्ट डिस्टेंस के लिए दिट शुड बी फाइन। एंड ऑफकोर्स व्हीकल स्टार्ट करते ही जो स्कैट पैक है, ऑफकोर्स स्पेसिफिक ये सुपर भी है, जो ऐसे उसका एनिमेशन आता है, वो भाग के जाते काफ़ी ज़्यादा कूल दिखता है। एंड जो व्हाइट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख रहे हो वो भी स्पेसिफिक शेक डाउन के लिए। एंड यहाँ पे इसके जो पैसेंजर साइड ये आप एसी वेंट देख रहे हो, उस पर शेक डाउन लिखा हुआ आता है। ये सुपर बी की बैजिंग एम्ब्रॉयडरी यहाँ सीट पे, अल्कंटारा सीट फिनिशिंग, इट्स एक्चुअली अ वेरी नाइस प्लेस टू बी इन। आई नो लोग काफ़ी बिना सोचे समझे जो स्टेलेंडर काफ़ी कंप्लेंट करते, काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुआ है। ये पूरा स्वेड फिनिश देखो, इसके ए पिलर, पूरा रूफ लाइनर एंड पीछे तक ये सेम मटेरियल जा रहा है। ये डोर पे स्टिचिंग, ये रेड स्टिचिंग, एंड ये सीट बेल्ट भी जो है वो शेक डाउन के लिए स्पेसिफिक है। ये पूरा सॉफ्ट टच मटेरियल यहाँ, इवन डोर कैट्स पे भी, इसका डोर हैंडल एक्चुअल में नीचे आता है ओपन करने के लिए, पुल करते ही ये देखो विंडो जो है नीचे स्लाइड हो जाती है। हीटेड आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स आते हैं, हीटेड सीट्स आते हैं, हीटेड स्टेयरिंग व्हील आता है, एंड वेंटिलेटेड सीट्स भी आते हैं। सो फीचर के मामले में भी डिसेंटली इक्विप्ड। ये पूरा आपको बीच में कार्बन फाइबर का सेंट्रल कंसोल आता है। आउट ऑफ ऑल ऑफ दिस ऑफकोर्स इसमें आपको मेन जो है ऐप्स में अगर आप जाते हो SRT का पेज आता है, जिसमें एक्चुअल में हेलकैट का लोगो जो है वो पीछे एम्ब्रॉयडरी आप देख रहे हो दिया गया है। एंड नीचे इसके जो है मेन तीन बटन आते हैं यहाँ पे, जिसके आप ड्राइव मोड सिलेक्ट कर सकते हो, आपको लॉन्च कौन से RPM पे सेट करनी है वो कर सकते हो, एंड ऑफकोर्स लाइन लॉक जो बेसिकली बर्नआउट मारने के लिए, जिसके ऊपर हम वेरी क्विकली आएंगे, एंड देन लॉन्च कंट्रोल का अलग से बटन आता है। बट मेन है ऑफकोर्स ये यहाँ पे गियर लीवर, लॉन्च करेंगे। लास्टली एक चीज़ दिखाने, मैंने कहा था दिस व्हीकल हैज़ बीन अराउंड फॉर अ वाइल, इसलिए आप ये टिपिकल ओल्ड स्कूल यहाँ पे स्विचेस देख रहे हो। नीचे भी इसका हैंड ब्रेक देखो ऐसे काम करता है, ये आपको पैर से प्रेस करना है बट खींचना जो है ये यहाँ से, एंड काफ़ी एक सॉलिड फील आती है। इसमें दो यूनिक चीज़ें मेरे को आपको बतानी है, हैंड ब्रेक रिलेटेड दो फंक्शनलिटीज़ जो है उसमें ऑपरेट होते हैं। एक तो है इंजन रेव, अगर इसका हैंड ब्रेक अभी मैं लगा रहा हूँ, ये देखो 2500 RPM तक ही ये व्हीकल रेव हो रही है। हैंड ब्रेक निकालता हूँ, सो ये एक इसमें ट्रिक है अगर आपको व्हीकल ऑल द वे रेव करनी है। दूसरा है इसमें जो डिस्टिंक्टिव इसके एम्बर डे टाइम रनिंग लाइट्स आते हैं, वो भी हैंड, अभी व्हीकल आइडल है इसके एम्बर लाइट चालू है, जैसे ही मैं हैंड ब्रेक इसका जो है पैर से लगाता हूँ वो एम्बर लाइट्स भी जो है वो बंद हो जाते हैं। इनके साथ आपको फोटो वगैरह इसके व्हीकल के साथ खींचने, सो ये एक ट्रिक है इसमें। बट ये सारे तो कॉस्मेटिक चीज़ है, मेन हमें ये व्हीकल को ट्रिब्यूट देना एंड मुझे आपके साथ शेयर करना है ये जो मैं स्टार्ट में बोला था ना, वो V8, वो वाइब्रेशन, वो स्मेल फ्यूल की, ऑल दैट थिंग। दैट मीन्स फर्स्टली लॉन्च कंट्रोल, लॉन्च बटन प्रेस, RPM आप सेट कर सकते हो जितना आपको चाहिए, रेस ऑप्शंस भी आते हैं, लेफ्ट फुट क्लच पे, राइट फुट एक्सेलेरेटर, रिलीज क्लच, ओवर 6000 RPM, ओह माय गॉड, गूज़बम्प्स एवरी टाइम यू रेव दिस व्हीकल, यू एक्सेलरेट दिस व्हीकल, जो नॉइज ये व्हीकल क्रिएट करते, वन ऑफ द लाउडेस्ट स्टॉक व्हीकल है। दूसरे व्हीकल में आप वाल्व एडजस्ट करते हो, ये करते हो, करो दिस थिंग नो, सिंपल मैसिव इंजन, क्रेजी साउंड सिस्टम, क्रेजी एग्जॉस्ट। टनल में जब भी मैं गया था, ऑल द वे थर्ड गियर पे मैं इसको एक्सेलरेट किया था, जो एको आया था तभी मैं गूज़बम्प्स आया था, एंड यही V8 इंजन के साथ, यानी गूज़बम्प्स बार बार बोल रहा हूँ, इट जस्ट द इमोशन जब फील अटैच होता है ये सारे व्हीकल्स के साथ। एंड यही मैं मेंशन कर रहा था स्टार्ट में, जो वाइब्रेशन, जो नॉइज, जो ड्रामा आप फील करते हो, 6-speed मैनुअल, 6.4 liter V8 इंजन, 485 horsepower, जस्ट टू द रियर व्हील्स ओनली,
ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, इसलिए मैं बाकी सारे छोटे मोटे डिटेल्स में गया। आई थिंक चैलेंजर ऑल व्हील ड्राइव जो GT वेरिएंट आता है उसके ऊपर मैं काफ़ी टाइम पहले डिटेल में वीडियो बना चुका था एंड काफ़ी अच्छा उसको व्यूज़ भी आए थे उसके ऊपर। इसलिए जो बाकी चैलेंजर स्टफ है वो ही नहीं, जो ये लास्ट कॉल है अभी, वी आर लूजिंग ऑल दिस व्हीकल्स एंड वी आर ओनली आवरसेल्व्स टू ब्लेम फॉर दिस थिंग। आई मीन अगर सेम चीज़ वापस जो मर्सिडीज़ के साथ हुई थी, C63 के साथ उनके साथ जो हुआ है, वो सेम अगर बाकी मैन्युफैक्चरर्स के साथ भी होगा तो माइट बी वी सी V8 बैग्स एंड जैसे सस्टेनेबल फ्यूल्स एंड जो है बायोफ्यूल्स वगैरह जो टेक्नोलॉजी आ रही है, स्पेशली F1 में जो अगर आप फॉलो करते हो, आपने देखा होगा कि वेटल ने जो है V10 इंजन जो मैक्लारन के एक्चुअल में 80s लेट 90s की जो स्पोर्ट्स जो F1 कार थी उसमें जो है ग्रीन फ्यूल से उन्होंने रेस किया था, लैप्स किए थे। सो अगर ऐसे सारी टेक्नोलॉजी वापस आ जाए सो व्हाई नॉट, अब कितना भी हाइब्रिडाइजेशन कर लो, इलेक्ट्रिफिकेशन कर लो, नथिंग वुड मैच दिस व्हीकल्स। एंड उसके ऊपर से अभी क्विकली जो हैंडलिंग के ऊपर आती है, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जस्ट कीबोर्ड पे बैठना, इंटरनेट पे बैठना, जस्ट क्रिटिसाइज़ करना डॉज चार्जर चाहे टेलेंटिस को। मजेराटी के वीडियो मैंने काफ़ी बार कहा है कि सेम स्विचेस वगैरह करते हैं, आई मीन इट्स नॉट बैड। ये व्हीकल देखो, मैंने आपको क्वालिटी बताया इंटीरियर की, जो सॉलिड फील आता है, इनफैक्ट चैसी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील है कंसिडरिंग एक ऑलमोस्ट 15 ईयर ओल्ड ये प्लेटफॉर्म है। एंड इनफैक्ट स्टीयरिंग व्हील भी इन टर्म्स ऑफ कनेक्शन फील फीडबैक आजकल के व्हीकल्स में इतना लैकिंग होता है, इज सच अ गुड स्टीयरिंग व्हील एंड फैंटास्टिक ट्रेमैक का ट्रांसमिशन, आई डोंट नीड टू से एनीथिंग। इसके साथ मेरी दूसरी व्हीकल है कैडिलैक की CT4V ब्लैकविंग, काफ़ी सिमिलरली प्राइस दोनों व्हीकल है बट एकदम स्पेसिफिक उसमें V6 ट्विन टर्बो चाहता है, मैंने इंस्टाग्राम पे पोल भी किया था एंड काफ़ी ज़्यादा टफ चॉइस भी वो रहा था, बट दिस इज समथिंग एल्स। जैसे मैंने कहा था थोड़ा स्लांटेड है, बट ऐसे नहीं कि इसमें वो फुल रेस कार जैसे शिफ्ट करते जाओ, अप शिफ्ट करते डाउन शिफ्ट, दिस जस्ट अबाउट क्रूजिंग, एक्सेलरेट गो ऑल द वे, आराम से शिफ्ट करो, जस्ट एन्जॉय योर ड्राइव ऐसे ही। एंड इसी वे में ये व्हीकल मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ इवन लॉन्च करते वक्त भी। फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ फर्स्ट से आराम से, सेकेंड फुल फुर्सत में जस्ट एन्जॉयिंग दैट मसल कार एक्सपीरियंस, क्योंकि इसमें ट्यून डिफरेंट है। अभी ये गियर बॉक्स, अभी ये गियर लीवर भी देखो थोड़ा सा है जो फॉरवर्ड स्लांट है, सो न्यूट्रल। अभी जैसे ही व्हीकल फोर्थ गियर पे मैं चला रहा हूँ एक्चुअल में वो स्ट्रेट है, सो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि वो न्यूट्रल है, बट नहीं, थोड़ा सा फॉरवर्ड स्लांटिंग है एंड ड्राइवर ओरिएंटेड पूरा, हमेशा से डॉज चार्जर चैलेंजर्स का कैबिन रहते आ रहा है। एंड दिस बीइंग अ वाइड बॉडी आपको एक फायदा होता है इसके साथ कि ऑफकोर्स वाइडर ट्रैक आते हैं, वो डिफरेंट स्टेबिलिटी आती है, बेटर स्टेबिलिटी आती है, सस्पेंशन सेटअप इसमें डिफरेंट आता है, इंडिपेंडेंट जो डबल विशबोन आपका मल्टी लिंक सस्पेंशन सेटअप आता है, उसके अलावा आपको अडेप्टेबल सस्पेंशन भी आते हैं। सो आपको चार ड्राइविंग मोड आते हैं, ऑटो, कस्टम, स्पोर्ट एंड ट्रैक। ऑफकोर्स ये SRT डैशबोर्ड आता है, आप ड्राइव मोड्स, पावर ट्रेन सारी चीज़ें जो इसमें कस्टमाइज कर सकते हो। लाइन लॉक का आप अलग से देख रहे हो, अभी मुझे यहाँ ये व्हीकल में बिल्कुल भी बर्नआउट्स वगैरह जो है वो देना अलाउड नहीं है, बिल्कुल भी टायर स्पिन करना अलाउड नहीं है। इसके लिए जो आप बर्नआउट्स के शॉट देख रहे हो, रियली थैंक्स टू स्ट्रेट पाइप जो सब के बिहाफ ने उन्होंने ये गाड़ी के ऊपर एंड ऑफकोर्स जो हेलकैट आने वाले उसके ऊपर ऑलरेडी बर्नआउट के, तो वही शॉट्स मैं यूज़ करूँगा। Gnarly burnout. That is what this thing is built. So yes, आप line lock वगैरह कर सकते हो इसमें, जो crazy stuff है long burnouts. Even अभी भी देखा आपने कितना ज़्यादा wheel spin हुआ जब भी मैंने intro में उसको vehicle को launch किया था. And और एक चीज़ भी जो मैंने आपको show की थी, इसके white instrument cluster. So basically वो रात को illuminate होते हैं and पूरे red, white के literally red हो जाते हैं. So रात में काफ़ी ज़्यादा cool and aggressive भी वो instrument cluster दिख के आते हैं। आई कैन गो ऑल डे लॉन्ग, ये व्हीकल इतनी पुरानी, इतना ऑलरेडी मैं इसके ऊपर आपके वीडियो बना चुका हूँ, बट हर टाइम मैं इसके बारे में बात करते रह सकता हूँ क्योंकि वो जो फीलिंग है वो कभी जो है वो कम नहीं होगी। व्हीकल के साथ जो अटैचमेंट है वो आपके साथ शेयर करना, दिस इज़ व्हाट आई लव, रियली स्पेशल थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइस कि आपके सपोर्ट के बाद ये सारे व्हीकल्स मैं आपके साथ ही जो है वो शेयर कर पा रहा हूँ। दिस इज सच अ स्पेशल मोमेंट, कितना भी मैं ट्राई करूँ एकदम इमोशन के साथ बनाना, वो सेम कनेक्शन जो वीडियो थ्रू ट्रांसफ़र करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, बट स्टिल आई होप कि मैं वो कम्युनिकेट आपके साथ जो है वो कर पा रहा हूँ। अभी भी जस्ट व्हीकल में घूमना जो अटेंशन गेन करती है, पार्थी हम जो शूट कर रहे थे सारा, इसके रील्स लेना, फोटोज लेना, मेन वीडियो लेना, पॉर्श सारे व्हीकल जा रहे हैं, पॉर्श के स्पोर्ट्स कार जा रहे हैं, वो तक ये व्हीकल को एडमायर करके जा रहे हैं, शूट कराओ, इतने लोग अभी तक ये व्हीकल को हॉर्न मारते हुए गए, जस्ट गिविंग अ थम्स अप। आई मीन यही मैं स्टार्ट में बात कर रहा था, जो चार्जर चैलेंजर के साथ अपील आती है, जो व्हीकल दिख के आती है,
इट्स नेक्स्ट टू नथिंग बेसिकली. व्हीकल का शेप एकदम डिस्टिंक्टिव है, दूर से ही देख के पहचान जाते हो. एंड इनफैक्ट काफ़ी लोग इधर तक डरा भी देती है व्हीकल, इतना अग्रेसिव लुक है ये व्हीकल का. एक अलग पर्सनैलिटी भी एसोसिएटेड होती है. आई मीन नॉन स्टॉप बोला हूँ मैं, बट दैट इज़ वॉट दिस डॉज चैलेंजर इज. एंड इट्स नॉट ओवर एट, द हेल कैट इज कमिंग सून एंड दैट इज गोइंग टू बी इवन मोर इमोशनल. सो एज आई ऑलवेज से, मैंने वेबसाइट के बारे में भी आपको बताया था, उसमें भी ऐसे ही सपोर्ट जारी रखना. अगर आप डॉज चैलेंजर ऑल द वे आउट ऑफ प्रोडक्शन, मेरे पार्टनर डीलर के पास मैंने कहा था ब्लैक घोस्ट जो है शोकेस में रखे, इट्स रियली इम्प्रेसिव, रियली कूल टू सी दैट व्हीकल. एंड ऐसे ही जो है वो चैनल को सपोर्ट करते रहना, आपके सपोर्ट के बाद ये सारा पॉसिबल हो पा रहा है. रियली अगेन स्पेशल थैंक्स टू यू गाइज. एंड नाउ ऐसे नहीं, लेट्स डू दिस फॉर द लास्ट टाइम, फॉर द लास्ट कॉल. दैट्स इट इन दिस वन, सी यू इन नेक्स्ट वन. ब्रिंग बैक V8.